नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU दिल्ली की दीवारों पर जो बनियों व ब्राह्मणों के विरुद्ध नारे लिखे गए हैं, ये बहुत ही घातक है। उन्होंने कहा कि ये किसी साजिश का हिस्सा लगते हैं, ये भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा लगते हैं। ऐसी मानसिकता को सख्ती से कुचल देना चाहिए। श्री विज आज मीडिया कर्मियों द्वारा JNU की दीवारों पर बनियों व ब्राह्मणों के खिलाफ लिखे गए नारों के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। ब्राह्मणों ने देश के धर्म व संस्कृति को जिंदा रखा, बनियों ने व्यापार में अहम भूमिका निभाई। श्री विज ने कहा कि ब्राह्मणों ने हमारे देश के धर्म व संस्कृति को जिंदा रखा है। कोई सुख व दुख हो, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है और हमारी संस्कृति के अनुसार श्लोक पढ़े जाते हैं। उसी प्रकार से बनियों ने भी इस देश के व्यापार में अहम भूमिका निभाई है। मेंबर्स की बनानी थी, उसके लिए कल हरियाणा सरकार ने ये घोषणा की है 38 मेंबर की, जिसके लिए हम मनोहर लाल जी खट्टर जो हमारे CM हैं, उनका, पूरी सरकार का और विशेष तौर पे हमारे बड़े भाई अनिल विज जी, जिन्होंने अम्बाला छावनी में 2 मेंबर जो नॉमिनेट करवाए हैं, और हम ये भरोसा दिलाते हैं अपने बड़े भाई जी को कि हम जो आपने भरोसा हमारे ऊपर जताया है, इसको पूर्ण तौर पर सिख जगत के अंदर नाम ऊंचा करेंगे। और जो ये कमेटी बनी है, ये हरियाणा के अंदर एक मिसाल बनेगी और बढ़ चढ़ करके काम अपने अम्बाला की हमें जिम्मेवारी दी है। हम उनको वादा करते हैं कि हम सिख जगत की सेवा, और जो अनिल विज जी ने हमारे पे जिम्मेवारी सौंपी है, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और हम जी तोड़ सेवा करके हरियाणा का नाम आगे ले जाएंगे। मेंबर जो मेंबर बने हैं, उनको जो अम्बाला से चुने गए, सब बाद अम्बाला आपसे मिलने पहुंचेंगे। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत आज हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 38 सदस्यों की घोषणा कर दी है। इसमें से अम्बाला छावनी में से BS बिंद्रा जी और सुदर्शन सहगल जी को भी मेंबर बनाया गया है। 3 मेंबरों की घोषणा अभी और की जाएगी। सर, जो JNU JNU की दीवारों पर बनियों और ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लिखे गए हैं, JNU की दीवारों पर जो बनियों और ब्राह्मणों के विरुद्ध नारे लिखे गए हैं, ये बहुत घातक है। ब्राह्मण ने इस देश की धर्म और संस्कृति को जिंदा रखा है। कोई सुख दुख हो, ब्राह्मण को बुलाया जाता है और हमारी संस्कृति के अनुसार जो श्लोक होते हैं वो पढ़े जाते हैं। उसी प्रकार से बनिया ने भी इस देश के व्यापार में अहम भूमिका निभाई है। ये किसी साजिश का हिस्सा लगते हैं, ये भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा लगते हैं। ऐसी मानसिकता को सख्ती से कुचल देना चाहिए। सर, गुजरात में चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, अभी मध्य प्रदेश ने भी घोषणा कर दी है सिविल कोड की, हरियाणा में भी ऐसी कोई बनाई जा रही है। देखिए, सरकार के लिए सभी समान नागरिक होते हैं, उनके लिए कोई धर्म, जाति, क्षेत्र महत्व नहीं रखता। उसके लिए इसीलिए ये कहा जा रहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ही कानून से जो सारों पर लागू होगा, उसकी बनाने की बात की जा रही है। और हरियाणा में भी हम विचार कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, इसका हम जल्दी बनाएंगे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।